So, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जो कि पूछा है रामाश्रम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने। तो इन्होंने ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा वैलिड हैं, इसी वजह से मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यही क्वेश्चन सबके माइंड में इस टाइम पे चल रहा है। एंड जो आपने टाइटल पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, इसका आंसर मैं एंड में दूंगा, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चलो फिर अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या एटसी पर अकाउंट ओपन करने के लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस, अभी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा क्योंकि इनका जो फाइनल डेट है वो आ चुका है, वो है 1 अक्टूबर। तो उससे पहले आपको अपने शॉप में जीएसटी को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज को पहले समझ लो। दूसरी चीज, जीएसटी अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सो आप मेक श्योर 1 अक्टूबर से पहले पहले जीएसटी लेके रख लो, ये चीज जरूरी है, ठीक है? एंड दूसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान में रखना है, जैसे हम शॉप को बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर 6-step प्रोसेस जो हमको करना पड़ता है शॉप क्रिएशन के टाइम पे, उस टाइम पे जो जीएसटी होता है वो हमारे लिए ऑप्शनल होता है। मतलब अगर आप फिल नहीं भी करो तो चलेगा, बट 1 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि वो चीज़ मैंडेटरी हो जाए, मतलब कि बिना जीएसटी के डाले वो चीज़ आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए जीएसटी आज आप ले लो, इसका मतलब पूरा मैंडेटरी है, अभी आपके लिए ज़रूरी है चीज़। बिना जीएसटी के आप करोगे तो हो सकता है आगे आपके सस्पेंड हो जाए, फिर कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले जीएसटी लेके रख लो, ठीक है? आई होप आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं फटाफट से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम अपने अकाउंट में जो लोगों को यूज़ करेंगे तो उसका ट्रेडमार्क लेना होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे अमेजोन वगैरह पे आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिलहाल नहीं है, बट हो सकता है आगे वो कुछ हो जाए, ऐसा अभी फिलहाल नहीं है ऐसा, ठीक है? एटसी पे सेल करने के लिए जाओगे तो जो लोगो लगा रहे हो या फिर कोई भी आप नाम लिख रहे हो तो वो उसके लिए कोई आपको ट्रेडमार्क नहीं लेना, कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं करना आपको, डायरेक्ट आप शॉप बनाओ। शॉप बनाना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आराम से बना सकते हो। थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस हार्ड है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? तो किसी भी ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? सो आई होप आपको दूसरे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा। सो अब चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसके लिए मे बी ज़्यादातर लोग आए हैं इस पर, वो है हमारा AI और चैट GPT कैनवा ATC का यूज़ करके पिक्चर आर्ट बनाने पर कॉपीराइट इशू आएगा क्या? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। इसका सिंपल सा मीनिंग, क्या हम AI जनरेटेड आर्ट को Etsy पर सेल कर सकते हैं, क्या कॉपीराइट इशू आएगा, है ना? इसके बारे में ये चीज़। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा हो कि Etsy वालों ने खुद ये चीज़ बता रखा है कि आप Etsy पर AI आर्ट्स को सेल कर सकते हो, ये बिल्कुल लीगल है सेल करना, कोई इशू नहीं इस चीज़ में। लेकिन कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट में हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आप AI जनरेटेड आर्ट को ले रहे हो, जो उनके सेलिंग राइट्स होते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेना पहले, उसके बाद ही आप सेल करना शुरू करना, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, तो उनकी पॉलिसीज को पढ़ लेना, चाहे आप किसी कैनवा के AI जनरेटेड आर्ट से सेल करो या फिर किसी अदर AI जनरेटेड आर्ट टूल को यूज़ करो, किसी को बेसिकली आप यूज़ करते हो, उनकी रीसेलिंग राइट्स को एक बार जान लेना, समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप सेल करना। सबका अलग अलग होता है, सो आप एक बार देख लेना। बट हाँ, AI जनरेटेड आर्ट को आप Etsy पे सेल कर सकते हो, बट हाँ, AI जनरेटेड आर्ट को आप Etsy पे सेल कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, एंड बाकी लोगों को भी मिल गया होगा, ठीक है? सो अगर आप AI जनरेटेड आर्ट को सेल करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत है इसमें, बस एक चीज़ और ध्यान में रखना, आपको पॉलिसीज उनकी पढ़ लेनी है, ठीक है? दैट्स इट, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड रमेश आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।